सिक्स जी आई मीन सिक्स जनरेशन नेटवर्क, यानी मैं आपको डिटेल से आज बात करने वाला हूँ 6G नेटवर्क के बारे में। आपको 6G नेटवर्क आने के बाद कितनी स्पीड देखने मिलेगी, कब तक आएगा 6G नेटवर्क, अभी तो फिलहाल बातें ही चल रही हैं। अभी तो 5G अच्छी तरह से ऐसे नहीं आया है, कुछ कुछ एरिया अभी भी बाकी हैं कि वहाँ पर अभी 5G आने में अभी वक्त बहुत वक्त बाकी है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर 6G के ऊपर आपको बात करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानना है और वो एक्साइटेड है कि 6G आने के बाद क्या होने वाला है और उसकी क्या स्पीड होने वाली है, 4G से वो कितना स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा, 5G से कितनी स्पीड प्रोवाइड करेगा ज़्यादा। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें एंड लाइक कर दें। आपको मैं ये हर बार कहता हूँ, इस बार तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर देना एंड लाइक ज़रूर से कर देना अगर आपको कहीं पर भी वीडियो पसंद आता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वो भी क्या ज़माना था, वो क्या टाइम था जब इंसानों को दूर संचार के साधनों की ज़रूरत नहीं थी, यानी वो उनको कोई मतलब नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, वो दूर संचार के साधनों के लिए पक्षियों का यूज़ करते थे। आपको कई वीडियो में देखा भी होगा, पक्षियों के गले में एक वरमाला डालकर भेज देते थे दूसरे राज्य में, तो वो जाकर उनको देता था और हमें वहाँ से वो सूचना प्राप्त होती थी और तब हम जान पाते थे कि उस राज्य में क्या हो रहा है, किसकी क्या हो गई है, किसकी क्या शादी वा क्या वो हो गई है। तो आज हम स्मार्टफोन से काफ़ी इजीली वो कर सकते हैं। इनफैक्ट गाइड वीडियो कॉलिंग से हम उनके चेहरे को भी अपने चेहरे से मैच करके देख सकते हैं कि ये कौन है। जिसके पास भी अगर यहाँ पर 5G स्मार्टफोन है और 4G है, तो गाइस वहाँ पर आपको जो आप उसके साथ दिन बिता सकते हो वो आप पूरे दिन बिता सकते हो। बट उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो परेशानी देखने लिए मिलती है, जो प्रॉब्लम देखने लिए मिलता है, वो है स्मार्टफोन में नेटवर्क की स्पीड। वैसे तो हमने सबके ऊपर डिटेल से वीडियो बना रखा है, स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ सब पर डिटेल से वीडियो बना रखा है, लॉन्ग कैसे करें स्मार्टफोन की बैटरी को, लॉन्ग टाइम तक कैसे यूज़ करें, चार्जिंग हैबिट्स क्या क्या रखनी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक देखने लिए आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बट सोते टाइम तो बहुत ही मुश्किल से यानी 8 घंटे बिता पाते हैं अपने स्मार्टफोन के बगैर, वरना तो हम सारे दिन अपने स्मार्टफोन में गेम खेलते रहते हैं। बिकॉज गाइज ये डिजिटल फ्यूचर आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ बट आप मेरी सुनते ही नहीं हो। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आने वाला फ्यूचर होने वाला है वो एकदम डिजिटल होने वाला है। हर एनी आप वर्क मान लीजिए, वो ऑफिस का वर्क हो गया, कुछ भी आपका यहाँ पर बच्चों की लाइव क्लासेस हो गई, वो आपके यहाँ पर होम पर होने वाली है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिजिटल देखने को मिलेगा। और जो आपको यहाँ पर नेटवर्क की स्पीड चाहिए वो भी काफ़ी आपको फास्ट चाहिए, न कि आपको 4G की तरह लैग चल रहा है, और 4G में नेटवर्क की स्पीड बहुत ही कम आती है। बिकॉज जो 5G की स्पीड आती है ना, वो आपको 4G नहीं प्रोवाइड करेगा, और जो आने वाले 6G हैं, उसकी स्पीड जो 5G है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। बिकॉज गाइस जो 6G है वो 100 गुना बेटर देखने लिए मिलेगा स्पीड के मामले में 5G से। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 6G आपको कितना बेटर देखने लिए मिलेगा। चलिए गाइस अब बातें तो बहुत हो गई, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 6G है वो 100 गुना बेटर देखने लिए मिलेगा स्पीड के मामले में 5G से। तो गाइस आपको यहाँ पर 1 TB की स्पीड देखने लिए मिलेगी पर सेकंड के हिसाब से, यानी आपको जो डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड है वो बहुत ही फास्ट देखने मिलने वाली है, काफ़ी स्मूथ देखने लिए मिलने वाली है, ये मैं आपको श्योर होके कह सकता हूँ। सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, हुआवे हो गया, ये 6G चिप के ऊपर काम कर रहे हैं। यस आपको आने वाले टाइम में यानी 6G नहीं आएगा जिससे पहले आपको यहाँ पर 6G की चिप देखने लिए मिल जाएगी, यानी यह सपोर्ट करेंगे स्मार्टफोन 6G को। ऐसा कहकर स्मार्टफोन कंपनियां इंडियन मार्केट में अपने फ़ोन को 6G आने से पहले ही सेल करना स्टार्ट कर देंगी 5G की तरह। तो यानी जो 6G की चिप हैं उन पर अभी से काम चल रहा है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कि 6G आते आते तो ये अच्छी तरह अच्छी खासी प्राइस में ये आपको 6G चिप प्रोवाइड करेंगे एक स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन कंपनियों की तरफ से आपको इस टाइम यानी क्या झांसा देकर फंसाया जाता है कि हमें यहाँ पर जो बैंड है वो कम देखने लिए मिले हैं,
मिल रहे हैं। तो गाइस बैंड का चक्कर आपको यहाँ पर 6G आने के बाद मुझे लग रहा है कि जो 6G में आपको जो चिप देखने लिए मिल रही है उसमें एक ही मॉडम देखने लिए मिलेगा, यानी आपको एक ही मॉडम देखने मिलेगा जिससे आप नेटवर्क एक्सेस कर पाएंगे 6G अपने स्मार्टफोन पर, और उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होगी। तो आपको यहाँ पर बैंड का भी आपको यहाँ पर जो जाल है वो देखने लिए नहीं मिलेगा। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमें 5G से हमारा काम चल रहा था, फिर हमें 6G की ज़रूरत क्यों पड़ गई, और 6G आ गया फिर हमें 7G की ज़रूरत क्यों पड़ गई। 7G तो अभी बात ही नहीं है उस पर तो। सो गाइस मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि 6G की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई, यानी अभी 5G आ रहा है इंडियन मार्केट में और अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पर 6G की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो गाइस हमारे डे टू डे लाइफ के जितने भी आपको यहाँ पर वर्क देखने मिलते हैं, और जो अब आने वाला फ्यूचर होने वाला है वो बहुत ही डिजिटल होने वाला है, एडवांस टेक्नोलॉजियाँ आने वाली हैं, बहुत ही अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने मिलेंगे डिजिटल इंडियन फ्यूचर मार्केट के अंदर। काफ़ी अटपटा सा नाम बोल दिया। खैर मैं यहाँ पर आपको बताना हूँ कि डे टू डे लाइफ में आपको जितने भी आप अपने नेटवर्क से यानी नेटवर्क की स्पीड से आप परेशान नहीं होंगे, आपको इतनी अच्छी 6G के अंदर स्पीड देखने में मिलेगी 100 गुना, वैसे आपको 5G से 100 गुना अच्छी स्पीड देखने मिलने वाले हैं 6G से। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपके डे टू डे लाइफ, ऑफिस हो गया, चाहे बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो गई, उनमें आपको लैग फ्री वीडियो देख सकते हैं एकदम हाई क्वालिटी पर, रुक रुक कर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रुका चला क्या चल रहा है। और कई कई लोग तो स्मार्टफोन को फोड़ ही देते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। एंड उसी के साथ गाइस मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑफिस वर्क की, यानी आपके ऑफिस में जितने भी हार्ड वर्क होते हैं, यानी आपको कॉल रिसीव करना है, वो करना है, आपको वीडियो कॉलिंग करना है, और कुछ भी टफ वर्क हो गया, तो 6G की स्पीड से वो उसकी जो आपको स्पीड मिलेगी 6G से उनको आप काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो गाइस मेडिकल डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर डिपार्टमेंट के अंदर जो ये 6G है वो अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला है। यस जो भी यहाँ पर सर्जरी होने वाली है और आने वाले फ्यूचर के अंदर, और जो ऑपरेशन होने वाले हैं उनको रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा, यानी पेशेंट यहाँ पर है और डॉक्टर क्या पता कहीं पर है, तो गाइस वो रिमोट से कंट्रोल कर पाएगा सक्सेसफुली ऑपरेशन को कि इसका ऑपरेशन कैसा करना है और कैसे नहीं करना है, और वहाँ पर मशीन द्वारा उसका ऑपरेशन किया जाएगा। तो गाइस ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कि डॉक्टर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने लिए मिलेंगे 6G नेटवर्क आने के बाद। फिलहाल ये 5G में भी पॉसिबल है, बट उतना नहीं है जितना 6G में है, तो 6G का ये बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस वो आता है यहाँ पर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड। यस आप यूट्यूब पर चाहे आपको वीडियो अपलोड करना है वीडियो को, एंड चाहे डाउनलोड करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ये वर्क करना है, तो आप उनको काफ़ी अच्छी स्पीड में 2 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड कर पाओगे और अपलोड कर पाओगे। नो आपको वहाँ पर कोई लैग देखने मिलेंगे, लाइव स्ट्रीम कर पाओगे आप अच्छी खासी, जो कि आपको बिना लैग के आपको काफ़ी स्मूथली कर पाओगे अपने व्यूवर से, तो आपका व्यूवर का और आपका क्रिएटर का एक कनेक्शन बना रहेगा 6G के बदौलत ही आपका हो पाएगा। गेमिंग समझ रहे हो मैंने क्या कहा, गेमिंग करने वालों के लिए भी गाइस यहाँ पर खुशखबरी होने वाली है। इनफैक्ट गाइस वो भी आपको यहाँ पर गेमिंग करने वाले भी अच्छे यहाँ पर गेम प्ले कर पाओगे, यानी जो गेमर हैं गेमर के लिए तो गाइस काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी कि वो अच्छी खासी फ्रेम रेट यानी बिना फ्रेम ड्रॉप्स के वीडियो प्ले कर पाओगे, एंड गाइस आप गेम भी बिना फ्रेम ड्रॉप के खेल पाओगे, प्ले कर पाओगे। और आपको जो अगर आपको इंस्टेंट 1GB का आपको यहाँ पर गेम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, कहीं से भी आपको डाउनलोड करना है, तो गाइस उसकी स्पीड आपको 1 सेकंड के अंदर फुल आपका एकदम फुल डाउनलोड हो जाएगा, एंड उसके बाद आप इंजॉय कर पाओगे अपने स्मार्टफोन पर गेम को। यस आप उसे इंजॉय कर पाओगे अपने स्मार्टफोन पर गेम को बिना किसी लैग के। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करनी है चलते चलते गेम के बीच में, तो वो भी आप काफ़ी स्मूथली कर पाओगे, आप चाहे नेटफ्लिक्स पर वीडियो देख लो, चाहे आप यूट्यूब पर देख लो, कहीं पर भी आप वीडियो कंज्यूम कर लो, आपको वो लैग फ्री देखने लिए मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि उसकी स्पीड कितनी आपको बेटर देखने लिए मिल जाएगी। 6G के अंदर आपको लेटेंसी बहुत ही कम देखने लिए मिलेगी। लेटेंसी का मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊँ कि नेटवर्क में से डेटा अगर आपको किसी एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन पर ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी स्पीड भी आपको काफ़ी फास्ट देखने लिए मिलेगी। जितनी लेटेंसी कम होगी उतनी फास्ट आपको स्पीड देखने लिए मिलेगी, क्योंकि 6G में लेटेंसी
1 माइक्रो सेकेंड तक रखने की कोशिश की जाएगी, यानी पूरी पूरी ट्राई की जाएगी उसको यहाँ पर काफ़ी फास्ट रखने की। उसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो गाइस ये इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा 6G आने के बाद। यानी जो रोबोट होते हैं ना उनमें ऐसी चिप डेवलप की जाएगी, यानी वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी चिप यहाँ पर डेवलप की जाएगी कि वो एकदम फास्ट होगी, और यहाँ पर जो 4G के टाइम और यहाँ पर 5G के टाइम नहीं हुआ था वो आपको यहाँ पर 6G के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। उनके माइंड में कहीं पर भी एक चिप डाली जाएगी जिससे उस पूरे के पूरे रोबोट को कंट्रोल किया जाएगा, क्या करना है और बॉर्डर सीमा पर कब उसे क्या करना है। तो गाइस सुरक्षा की दृष्टि से, यानी सुरक्षा की एक नज़र से देखें तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है 6G आने के बाद, कि आपको यहाँ पर जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है हमारे बॉर्डर की इंडियन आर्मी द्वारा की जा रही है फिलहाल, तो वो आने वाले फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिससे हम और कंट्री से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। इस एडवांस टेक्नोलॉजी 6G आने के बाद ही पॉसिबल होगा फिलहाल तो ये। गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात करूँ, आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें एक स्मार्टफोन होता है वो एकदम ग्लास की तरह होता है, तो गाइस ग्लास की तरह उसके आर पार भी आप देख सकते हैं, तो गाइस उसे ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। यानी डाइनिंग टेबल हो गई और डाइनिंग टेबल पर आपको टच स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है, और आपको एकदम दीवार हो गई उस पर आपको टच स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो ऐसे ऐसे, तो गाइस उसे ही कहते हैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। तो गाइस उसका भी आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में 6G आने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है वो बढ़ जाएगा, यानी स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर एक ग्लास का टुकड़ा लिया, ग्लास के टुकड़े को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस किया और आप उसे यूज़ कर पाएंगे, तो गाइस ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, कि उसका क्रेज़ भी आपको 6G आने के बाद बहुत ही ज़्यादा देखने लिए मिल जाएगा। गाइस मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो गाइस टावर लगाने की कॉस्ट है वो यानी इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ही कम हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट को लगाना ही नहीं पड़ेगा 6G आने के बाद तो, और जो लग रहे हैं वो फिलहाल नीचे गिरने वाले हैं 6G आने के बाद, बिकॉज गाइस उनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या मतलब रहेगा, एक स्मार्टफोन दूसरे स्मार्टफोन को नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, दूसरा स्मार्टफोन तीसरे चौथा पाँचवा छठा सातवा ऐसे चलता रहेगा, यानी उसके यहाँ पर टावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको श्योर होकर कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर टावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर एक स्मार्टफोन होगा और वो बैठा है वो मेरे टावर से, मेरा स्मार्टफोन में अगर टावर आ रहा है और उसके में नहीं आ रहा है तो वो यूज़ कर पाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर टावर की कॉस्ट भी बहुत ही कम देखने में मिल जाएगी इंडियन गवर्नमेंट से, और वो इंडियन गवर्नमेंट वो पैसा पूरा पूरा वसूला जाएगा, तो वहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट हो जाता। माइंड है ना इतना घूम रहा है कि आपको क्या बताऊँ। अभी तक 5G की पूरी यहाँ पर इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और यहाँ पर 6G के ऊपर अभी यहाँ पर बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 2030 तक जापान की तरफ से, यानी जापान में जो 6G है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा 2030, और हम बात कर रहे हैं अभी, तो गाइस काफ़ी टाइम बाकी है अभी 6G को इंडिया में आने के लिए। फिलहाल अभी 5G तो सेटल मेटल हो जाए अच्छी तरह से, पर आपको 5G की जो फ्रिक्वेंसी देखने में मिल रही है वो गीगाबाइट में देखने में मिल रही है, और जो 6G की जो स्पीड देखने में मिलेगी वो आपको टेराबाइट में देखने में मिलेगी। तो गाइस टेराबाइट में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा ये स्मार्टफोन टेलीकॉम कंपनी की तरफ से इंडिया में जो 5G से 6G नेटवर्क पर स्विच करना, तो गाइस ये भी देखने वाली बात होगी। एंड गाइस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि क्या आप 6G का इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए वेट कर रहे हो, और ये वीडियो आपको किस टाइप का लगा, इंटरेस्टिंग किसी भी टाइप का लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। एंड गाइस आज की वीडियो में यही था, एंड गाइस आई होप कि आपको 6G से जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर देना। एंड गाइस मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो रेगुलर लेकर आता रहूँगा। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक ले गाइस ऑलवेज स्माइल।